हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के प्री बोर्ड के प्राप्तांक हो रहे हैं अपलोड। क्या है पूरी खबर क्लास 12th और क्लास 10th के विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए पंजीकृत संस्थागत परीक्षार्थियों की फरवरी 2021 में आयोजित प्री बोर्ड और उनकी 11वीं की छमाही और वार्षिक परीक्षा 2020 के प्राप्तांक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा सीधा यही मतलब है स्टूडेंट कि जो क्लास 12th का जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स और जो क्लास इलेवंथ के जो छमाही और जो वार्षिक परीक्षा हुए हैं उसके मार्क्स जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं वेबसाइट पर। ठीक है, अपलोड शुरू हो गया है करना। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को 28 मई तक प्राप्तांक अपलोड कराने के क्या निर्देश दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है जो प्राप्तांक है वो अपलोड कर दिए जाएँ 28 मई तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्री बोर्ड और 11वीं की छमाही और वार्षिक परीक्षा जो प्राप्तांक है वो वेबसाइट पर क्यों अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि 12वीं की परीक्षा होगी, तो आखिर अब ये वेबसाइट पर क्यों अपलोड किए जा रहे हैं इनके मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारी ने बताया है कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा के अनुसार ही प्रदेश में इंटरमीडिएट के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीबीएसई निर्णय लेगी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, वही उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा। ठीक है, तो अगर जून के पहले सप्ताह तक मानव संसाधन मंत्रालय 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लेता है तो प्रदेश में भी इंटर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन अभी पहले वो निर्णय लेगा तब। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो 12वीं के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लेता है, तब जाके प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में भी इंटर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा सकता है। वर्तमान में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक अपलोड कराए जा रहे हैं, जिससे निर्णय के बाद परिणाम जारी करने में ज़्यादा विलंब नहीं हो। मान लीजिए कि पहले ही जब अपलोड करा दिया जाएगा ये जो भी मार्क्स हैं 11 के छमाही और वार्षिक परीक्षा के और प्री बोर्ड के, तो बाद में अगर प्रमोट किया जा सकता है, प्रमोट करने का कोई भी निर्णय अगर लिया लेंगे तो बहुत आसानी होगी ना। हमारे पहले से ही वेबसाइट पर अपलोड होगा तो फटाफट से आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपलोड कराए जा रहे हैं, जिससे निर्णय के बाद परिणाम जारी करने में ज़्यादा विलंब ना हो, ज़्यादा देरी ना हो। अब बात करें अगर हाई स्कूल की, तो यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों का लगभग पूरा रिकॉर्ड मंगा लिया है। सभी कॉलेजों ने प्री बोर्ड और छमाही का रिकॉर्ड भेज दिया है। हालांकि कुछ छात्र छात्राओं के अंकों को लेकर गतिरोध बना है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 9th के बोर्ड एग्जाम, जिन्होंने 9th क्लास का जो एग्जाम है वो नहीं दिया है, तो उन्हीं के जो रिजल्ट है उन्हीं को लेकर गतिरोध बना है, रुकावट बनी है। ठीक है, इसका हल भी जल्द ही निकल जाएगा स्टूडेंट। अब परीक्षार्थियों के प्रमोट होने की जो है आसार अधिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से आज के इस वीडियो में आपको बताया है। वीडियो पसंद आया हो और जो भी मैंने जानकारी आपको दी है आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।